सिंध को एक अरसे से सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश के तहत हालात ख़राब किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि बतौर हुक्मरान जमात हम जवाबदेह हैं, सूबे की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के अस्पताल एक मिसाली नमूना है। कराची में जदीद बसें चलाई जा रही हैं। थरकोल मनसूबे के जरिए नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम की जा रही है। को काफी अरसे से एक टारगेट किया गया था। शुरू में उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए टारगेट किया गया, लेकिन जब हम सियासी मकासद के लिए किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यार ये मैं सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को मलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं अपने मुल्क को मलाइन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत की, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, तो हम ज़्यादा, हम पर जिम्मेदारी भी है, हम ज़्यादा जवाबदेह भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं, हम अकाउंटेबल भी हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा सनतें लगी हुई थी ओवर द पीरियड ऑफ 30 years और मे बी मोर देन दैट 35 years। एक सोची समझी साजिश से यहाँ पे हालात इस तरह के पैदा किए गए कि यहाँ से सनतें बाहर जाएं। गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की फर्स्ट प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम कराची में पानी के मसले को हर सूरत में हल करें। पीपुल्स बस सर्विस जो स्टार्ट की, वो कराची में बसेस चल रही है, मजीद बसें आनी है, मजीद बसेस प्रोसेस में है। पाकिस्तान का पहला शहर कराची है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।